नॉर्दर्न एरियाज में लैंड भी हो जाया करती है वो भी अंडरस्टूड स्टोड होगी बारिश होगी वो भी अंडरस्टूड वर्स्ट बहुत तरीन स्नारू जो था ना वो नहीं था मौत ही फेस की तो और मौत को करीब से जाना तो वो ये था कि हर तरफ खौफ और वह ऐसा नहीं था कि हम एक जगह से बचते थे एक ए, एक ट्रॉमा से निकलते थे के दूसरे दूसरे वाले में फंस रहे थे ये वाला स्नैरियो था मैं कहती थी अगर अल्लाह अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को हुआ तो मैंने नहीं रहना और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने वैसे भी मतलब मर के भी सुकून नहीं है व्यूर्स लेकर आए हैं आपके लिए एक कहानी मेरे साथ आप मोना देख रहे हैं जिनकी गोद में इस वक्त नौ माह की बच्ची है ये भी अपने ऑफिस वालों के हमरा टोटल उनतीस लोग गए थे कुमराट और वहाँ पर चार दिन के टूर करने गए थे लेकिन एक ही दिन में वहाँ पर फंस गए और वहाँ पर रेस्क्यू करने वाला इनका कोई भी नहीं था नौ माह की बच्ची का साथ था मोना कि अब जानते हैं कि आया वहाँ पर क्या हुआ किस तरह से वहाँ से बच के निकले और लाहौर किस तरह से सही सलामत तमाम के तमाम लोग वापस पहुँचे असल वाईकम कैसे हैं अल्लाह का करम है ठीक है ये वाकई अल्लाह का करम है कि आप लोग वापस आए हैं क्योंकि जनवर लोग जिस तरह देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत बुरे हालात हैं। ये बताएं कि आप वहाँ पे टूर गाइड के साथ गए थे पूरा ऑफिस किया था किस तरह से जाना हुआ टूर प्लान था जो कि ऑफिशियल टूर था हमारा का, हमारी कंपनी एंड से हमारी टीम uh, के लिए था तो अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात हुई कि जो आपने नहीं सोचा होता तो यू स्टाक यू नो वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं बोध uh, को निकले हैं रात को जो मैं रात वाली रात में हम लोग वहाँ पहुँचे हैं शाम मेरा ख्याल है छः बजे के बाद पहुँचे होंगे छः बजे के बाद पहुँचे फिर मैंने बहुत हर इंटरव्यू में जिक्र किया है मैं हम लोग थे और एक और टूअर था वहाँ पर वो हम रात दस बारह बजे के करीब पहुँचा अच्छा वो लोगों सुबह फजर के टाइम निकल गए उनको शायद अलार्मिंग सिचुएशन का आइडिया हो गया वो लोग आप लोगों को वहाँ किसी ने भी नहीं बताया कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है आप ना आएँ आप लोगों ने रब्ता किया था यहाँ से जाते हुए किसी से बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं बताया वहाँ पर सिर्फ हमें यही गाइडलाइन मिली थी कि हमारा टूरिस्ट वहाँ का रिहायशी था हमें तो ये था कि ही एज यू नो मकामी पीपल uh, तो वहाँ का रहने वाला है अब वो uh, वहाँ पर भी हमने कॉल की थी इनका कोई हेल्पलाइन नंबर है कुमराट का डीसी uh, या एसी का आई कुड नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक के वी वर कॉल्ड देम एंड अनास् देम के वेदर uh, की इंफॉर्मेशन ले ली जाए या सैलाब है या कोई लैंड स्लाइडिंग वगैरह का सनारी एक तो ये कि ठीक है नॉर्दर्न एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग भी हो जाया करती है कभी कभी तो वो आप रुक जाते पता चल जाता है ठीक है वो कम्युनिकेशन रखते हैं वो भी अंडरस्टूड होगी बारिश होगी वो भी अंडरस्टूड वर्स्ट न स्नारी जो था ना वो नहीं था आ, मुझे ये लगता था कि आ, हम लोग तो यही है ना पीस पीस लेने के लिए इन्जॉय करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पर जब आ, हम सब ने ये सब आ, मौत ही फेस की तो और मौत को करीब से जाना तो वो ये था कि हर तरफ खौफ और वहशत थी वो पहाड़ जो सिचुएशन क्या बन गई थी वहाँ पर जब आप लोग पहुँचे और आपने इस सारा स्नारी देखा हम लोग पहुँचे थे हम जिस होटल में रहे थे होटल कमर हर ज़्यादा था वो इस तरह से था मतलब बहुत नॉर्मल सी प्लेस थी उसके करीब ही दरिया का वो था किनारा था अब वो ब्रिज उस पर आगे एक ब्रिज भी बना हुआ था वो सुबह उठते ही जैसे हम सुबह उठे पाँच बजे के बाद तो वो बारिश बहुत तेज़ थी सारी रात होती तो थी सुबह होते ही वो ब्रिज टूटते हुए देखा वो ब्रिज टूटा वो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था और जितना फ्लो था उतनी ही शदीद आवाज़ भी थी वहाँ से असल कहानी शुरू हो चुकी हुई थी वो हर मतलब ऐसा नहीं था कि हम एक जगह से बचते थे एक ए, एक ट्रॉमा से निकलते दूसरे दूसरे वाले में फंस रहे थे ये वाला इस था अगर हम एक ब्रिज से निकले या एक पानी से निकले तो आ, अगली जगह जहाँ थोड़ी देर के लिए हम जाते थे कि भागते हुए पहुँचे क्योंकि हमें तो अभी वहाँ का पता ही कुछ नहीं था ये ये कहना आसान था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बच्ची बच जाए ये भी एक बात थी पर इसके बावजूद मेरी दिल को सुकून नहीं था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का पीछे कुछ भी नहीं इसको ये इतनी छोटी है तो मैं मैं कहती थी अगर अल्लाह अल्लाह ना करे मेरी बच्ची को हुआ तो मैंने नहीं रहना और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने वैसे भी मतलब तो मर के भी सुकून नहीं है ये वो वाली सनारी है और ये वाकई ही बींग अ मदर आ, मुझे लगता है जो माएँ हैं वो ये समझ सकती हैं कि बच्चे माँ के साथ क्या फीलिंग्स आती हैं जो मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि शायद टूरिस्ट की अरेंजमेंट जो थी ना प्लानिंग वो वो उतनी परफेक्ट नहीं थी आ, वो थोड़ा शायद बेहतर होता तो एक हफ्ता आगे भी कर लेता बस किस तरह से आया आप लोग लाहौर तक हालांकि हम लोग वेदर का इशू तो बाद में समझ में आया हम उससे पहले भी कह रहे थे कि हम ना नेक्स्ट वीक कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीक हम चले जाएंगे उसने कहा नहीं आज ही निकालना है हमने ये टूर ना आज तो इट्स नॉट लाइक दिस के वी आर हिटिंग हिम सेल्फ या उसको कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं बट येस कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छी कर लेता थोड़ा मैनेजमेंट से ज़िंदगी और मौत भी जा सकती थी ये वो वाला बात थी रेस्क्यू किसने किया आप वहाँ पे फर्स्ट वहाँ के मकामी आर्मी और उसके बाद uh, by its own self. <coughs> बिल्कुल ठीक हो गया सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस जगह से बच के वापस आए हैं और जिंदा बच के आए हैं क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देख रहे हैं जो न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं वहाँ पे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं शुक्र करना से अल्लाह ताला का और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आ, खुदारा जो टूरिस्ट लेके जाते हैं लोगों को अपने साथ लोगों की जानों के साथ ना खेलें अपने चंद रुपयों की खातर मेरे ख्याल से आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो वहाँ का टूरिस्ट है जो जिसने आपको गाइड किया कि आ जाए सब कुछ ठीक है सारे हालात ठीक है और मेरे ख्याल से चार दिन का टूर आप एक दिन में आप लोग वहाँ से वापस आ गए नहीं नहीं हम लोग वहीं स्टक रहे हैं हम लोग तो दो दो दिन रो, दो रात में और तीसरा दिन हम लोग वहीं स्टक रहे हैं वो तो बस यही होता था कि अब जहाँ भी बैठे हैं हम वो आ, मतलब हमें यहाँ से लैंडस्लाइडिंग फेस करनी पड़ी है यहाँ से पहाड़ों से पानी आ, का फ्लो आ रहा है वो भी फेस करना पड़ा है तो अब वहाँ बैठ के नहीं आप देख सकते क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है वो आपको जो आवाज़ है वो इतनी गरज और बरस की साथ है वो इतनी खौफनाक आवाज़ है कि एक तरफ जो दरिया के पास आप बैठे हुए हो आपको और कोई जगह ही नहीं वो इतना सी जगह जहाँ चारों तरफ पानी है हर तरफ खौफ ही खौफ तारी था, था आपके उस टूर आपके के पहर हमारे पास जनरेटर्स नहीं है और जनरेटर चूँकि डीज़ल ख़त्म होने की वजह से बंद हो रहे थे और खाना वगैरह की भी शॉर्टेज हो रही थी तो ये सब कुछ हमने फ़ेस किया है बिल्कुल ठीक हो गया आपने सुनी मोना की गुफ्तु और बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं और जिस तरह मोना ने अपना वाक़ सुनाया कि किस तरह ये कुमराट गई और वहाँ जा के फंस गई लेकिन शुक्र अल्लाह का कि दोबारा ये लोग वापस आए हैं लाहौर और अपनी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम किसी को भी इसमें क्लेम नहीं कर सकते इसमें हमारी भी गलती कहीं ना कहीं होती है कहीं ना कहीं हमारे गाइड करने वालों की भी गलती होती है लेकिन जब तक ये फ्लड की सिचुएशन है हम यही कहेंगे कि के खुदा आप अपने घरों में बैठें और इस तरह के मुकाम पर ना जाएँ फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ